हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड लाया हूं आपके सामने, जो अपडेटेड है। रात को जैसी 10-11 बज जाएगा तब वोटिंग ट्रेंड बंद हो जाएगा, उसके बाद मैं एक अपडेट जरूर करूंगा जो फाइनल वोटिंग ट्रेंड होगा। तो ये अपडेट ये है कि वोटिंग में बदलाव ज्यादा तो हो गए, क्योंकि कल का लाइव फीड के बाद जब ये सेफ हो गया, प्रिंस सेफ हो गया, चार्जशीट से निकल गया, तो आज का वोटिंग ट्रेंड में प्रिंस और मुनव्वर का जो चार्जशीट से पहले लोग निकल गए, लोग फाइनल फिनाले में जा चुके, तो इन लोग का मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इनको कितने वोट्स मिले थे। तो अब शुरू करते हैं वोटिंग ट्रेंड जो पांच लोग के बीच में। तो जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिनाले का जो भी वोटिंग ट्रेंड रहेगा वो भी मैं आपको अप टू डेट करने वाला हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो अप टू डेट आपको फिनाले का भी मैं वोटिंग ट्रेंड ला के दे दूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। शुरू करता हूँ पांचवें नंबर में जो है साईशा शिंदे। साईशा शिंदे को मिले 3,03,000 वोट। तो 3,03,000 वोट के साथ साईशा शिंदे, तो इसका सर्वाइव करना तो मुश्किल है। ये हफ्ता पक्का साईशा शिंदे बाहर चली जा रही है। चौथा नंबर में जो है वो है पायल रोहतगी। पायल रोहतगी को कम वोट वापस से मिल रहे हैं और पायल रोहतगी को यहाँ पे 3,65,000 वोट मिले। तो पायल रोहतगी तो बाहर तो नहीं जाएगी, फिनाले में जरूर जाएगी, बट कहीं ना कहीं पब्लिक की ओपिनियन पायल रोहतगी नहीं है। और तीसरा नंबर में जो है वो है आजमा फला। आजमा फला को इनफैक्ट पायल रोहतगी से भी कम वोट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, बट मिल रहे तो मिल रहे। तो उसको टोटल जो वोट मिल रहा है आजमा को 4,26,000 वोट मिल रहे। तो मैंने ये लाइव जब एपिसोड चल रहा था उसमें भी मैंने चेक किया कि आजमा के जितने फैंस है वो मुनव्वर के फैंस से वोट अपील कर रहे थे कि उनको वोट करें करके ये कॉमेडी फैक्ट था। तो यहाँ पे आजमा को 4,26,000 वोट मिले। और सेकंड नंबर में जो है वो है अंजलि अरोरा। अंजलि अरोरा को अच्छा खासा वोट आ रहे। वही है कि जब से मुनव्वर के साथ थोड़ा बहुत ये हो गया था अनबन, मुनव्वर के फैंस नाराज हो गए थे अंजलि से, तो अंजलि को वोट मिलना बंद हो गए थे। लेकिन अभी पिछले 2-3 एपिसोड हम जब से देख रहे हैं तो अंजलि काफी मुनव्वर का साथ दिया है। और जब मुनव्वर को चार्जशीट से सेव करने का भी ज्यादा काम अंजलि ने किया, और जब पूनम का पैर पकड़ के रखा तो अंजलि ने कहीं ना कहीं वो सीढ़ी दिखा के भी मुनव्वर को सेव किया है। तो इस वजह से शायद से जो मुनव्वर के फैंस से कहीं ना कहीं अभी अंजलि को जाके माफ कर रहे और वोट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे अंजलि सेकंड नंबर में। पहले नंबर में जो है पूनम पांडे पहले नंबर में। शॉकिंग में सोचा अंजलि हो सकती है, बट पूनम शॉकिंग पहले से ही पहले नंबर पकड़ के बैठी है। तो यहाँ पे पहला नंबर में पूनम पांडे जिसको 4,58,000 मिल रहे, और अंजलि को जो है 4,28,000 मिला। मैंने बताया नहीं शायद से 4,28,000 अंजलि को मिला है, और यहाँ पे पूनम को 4,58,000 मिला, मतलब 4,58,000। तो यहाँ पे काफी मतलब देखा जाएगा तो कम से कम 30,000 वोट का डिफरेंस है यहाँ पे पूनम और अंजलि के बीच में। तो यहाँ पे क्लियरली पूनम सेफ हो जाएगी जनता की अदालत में मेरे ख्याल से। और आप लोगों को बता देता हूँ मुनव्वर और प्रिंस को कितने वोट मिले। प्रिंस को जो वोट मिले, प्रिंस को 4,15,000 वोट मिले, तो इसको अंजलि से थोड़ा कम मिले प्रिंस को। और यहाँ पे मुनव्वर को जो मिले, मुनव्वर को तो रिकॉर्ड तोड़े भाई, मुनव्वर का रिकॉर्ड मेरे ख्याल से कोई तोड़ने वाला नहीं है। 11,23,000 वोट। 11 लाख क्या होता है यार, 11,23,000 वोट मतलब 1 मिलियन वोट पार, 1 मिलियन वोट पार हो गया भाई। 11,23,000 वोट मुनव्वर भाई को मिला है, वो भी इंस्टेड वो वोटिंग में है नहीं, वोटिंग अपील में है नहीं, फिर भी लोग वोट कर रहे कैसा ना कैसा करके। तो अगर वोटिंग में होते तो शायद से 11 नहीं है, 15 नहीं है, शायद से 20 लाख हो गया होता, 2 मिलियन तो पार हो गया रहता। फिनाले में मजा आएगा देखने का वोटिंग ट्रेंड। शायद से मुनव्वर के फैंस तो शायद से मुझे लगता है 3 मिलियन तो पार कर देंगे मेरे घर से। तो ये है वोटिंग ट्रेंड। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपको लाइव वोटिंग जो भी वोटिंग रहेगा मैं आप लोगों को बताते ही रहूंगा अपने चैनल में। और आप लोग को मैं इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा लाइव करने के लिए, जो भी वोटिंग ट्रेंड होगा लाइव मेरे चैनल में रखने के लिए, तो लाइव रखूंगा। तो कोशिश करूंगा फिनाले का जो भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, मैं कोशिश करूंगा लाइव रखने के लिए। अगर लाइव नहीं हो पाया तो आप लोग को अप टू डेट तो जरूर करते रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।